हेलो दोस्तों दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसकी स्पीड को 2x 1.75x करना था, जिसकी वजह से आपका टाइम जो है वो सेव हो सके। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, एडवांस सॉर्ट। एडवांस सॉर्ट में हम टू थिंग्स देखने वाले, एक तो सिंगल कॉलम सॉर्टिंग देखने वाले, एक तो मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग देखने वाले। तो अभी सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कुछ डाटा दिया और हमारे को क्राइटेरिया रेंज का बोला है, रीजन के बेस के ऊपर इनको हमने क्या करना है, सॉर्ट करना। तो आप क्या करोगे, सिंपल किसी भी सेल के ऊपर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद डाटा पे जाओगे, उसके बाद सॉर्ट पे जाओगे। सॉर्ट पे जाने के बाद आप लिखोगे सॉर्ट बाय रीजन करोगे। सॉर्ट बाय रीजन करने के बाद सेल वैल्यू करोगे और ए टू जेड पे कर दोगे। तो आप देखोगे कि आपके पास यहाँ नॉर्थ नॉर्थ के आ गया। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकते हो। सिंपली आपका क्या हो गया, नॉर्थ के रीजन के आपने सॉर्ट कर लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या दिया है, दो चीजें दिया है, एक तो रीजन दिया और एक सेल्स पर्सन दिया। तो हमें क्या करना, सबसे पहले सिमिलरली सॉर्ट पे जाना है। सॉर्ट पे जाने के बाद हमें रीजन के ऊपर सेलेक्ट करना है, सेल वैल्यूज के ऊपर ए टू जेड करना है और उसके बाद एड लेवल करना है। एड लेवल के ऊपर क्या करना है, हमें सेल्स पर्सन के ऊपर करना है और ए टू जेड कर देना है और उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ और निशान निशान जो है वो आ गया। ये जे पी जी एस टी वी, ये आपने सॉर्ट कर लिया अल्फाबेटिकली। आप ए टू जेड भी कर सकते हो और सिमिलरली अगर आप, आपको मैं एक और चीज भी दिखा सकता हूँ, अगर आप क्या करना चाहो, इसको कैंसिल करता हूँ। अभी क्या करोगे, आप सॉर्ट पे जाओगे। सॉर्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, रीजन के ऊपर करना है। रीजन के ऊपर ए टू जेड, आप जेड टू ए भी कर सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली आपको अगर सेल्स पर्सन के ऊपर जाना है, इसमें भी आप जेड टू ए कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आपकी सॉर्टिंग जो है वो प्रॉपर वे में हो गई है। ए वाले पीछे ऊपर आ गए और बी वाले और डब्ल्यू वाले आपके पहले आ गए और एस एस वाले। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, नॉर्थ के पर्सन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब एक और क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये क्या क्राइटेरिया, आपको ग्रेटर देन 5000 वैल्यू उठानी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है। सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाने के बाद आपको सेल्स पे जाना है। सेल वैल्यूज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करनी है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लो और ओके करो। तो आप देखोगे कि आपकी ऑटोमेटिकली 50,000 से ऊपर जितनी भी वैल्यू आराम से एक्सट्रैक्ट होगी, ठीक है, जिसमें से कि एक ईस्ट की और दो नॉर्थ की है। तो इस तरीके से भी आप सॉर्टिंग का यूज कर सकते हो और अपना कॉपी एंड पेस्ट। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, हम फिल्टर्स देखने वाले हैं। फिल्टर्स की हेल्प से आप ये डाटा सॉर्टिंग थोड़ी सी और ईजी हो जाती है। सिंपली आप क्या करोगे, आप इतने इतने एरिया में फिल्टर मारोगे और फिल्टर से आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से ग्रेटर देन 5000। तो मैं ये आपको बताऊंगा फिल्टर्स पे कैसे करना है। तो डाटा सॉर्टिंग आपकी फिल्टर्स के थ्रू काफी यूज हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।